बिजली चौक अंतर्गत आने वाले ग्राम बम्हनी में नक्सलियों ने एक ग्रामीण की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पुलिस मुखबिरी के शक में ग्रामीण की हत्या की गई है। हत्या के बाद से पूरे परिवार में गम का माहौल है। पुलिस मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने भागचंद आर्मो की देर रात गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं शव के पास से पर्चा भी मिला है जिसमें पुलिस मुखबिर के शक में हत्या करने की वजह लिखी हुई है। मृतक की पत्नी ने बताया है कि 29 जून को रात में 2 से 3 नक्सली घर आए और उन्होंने नाम पूछने के बाद मेरे पति भागचंद आर्मो को घर से बाहर ये कहकर ले गए कि कुछ काम है, थोड़ी देर बाद घर आकर खाना खा लेना। वही घर के बाहर 2 से 3 महिला नक्सली और खड़ी हुई थी। जब वे बहुत देर तक नहीं आए तो हमने उन्हें खोजना शुरू किया। रात के करीब 12 बजे पता चला कि सर पर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है। गोली करके वही तो होती है पुलिस की रक्षा करना, देश की रक्षा करते हैं तो आज तो हम पूरे बाल बच्चे भी मारे जाते तो पुलिस नहीं आती। मृतक के परिवार में उनकी पत्नी और उनके बच्चे हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बताया कि भागचंद आर्मो का पुलिस मुखबिरी से कोई संबंध नहीं था। पुलिस द्वारा एरिया की सर्चिंग की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए बहर भेजा जाएगा। तिवारी ने बताया कि मलाजखंड दलम के नक्सलियों द्वारा ये घटना की गई है। नक्सलियों द्वारा ग्रामीणों में दहशत फैलाने और लोगों को डरा धमका कर अपने एजेंडे में शामिल करने के लिए सब किया गया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।